हाय फ्रेंड्स, मैं हूं चैताली। आप सबको मेरे गार्डन में स्वागत है। सच में आप सभी लोग मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि दो दिन पहले ही मैं एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने आप सब से मेरे प्रॉब्लम की सॉल्व करने की रिक्वेस्ट की थी। और वो वीडियो था ये, मेरे गार्डन में जो केले का प्लांट है उसे गार्डन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड की राय है कि केले के प्लांट अशुभ होते हैं, अमंगल होते हैं, और वास्तु शास्त्र में इस प्लांट को रखना उचित नहीं है। इस बात को लेकर मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच झगड़ा भी हुए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों की कमेंट्स को पढ़ के उनको सुनाई और वो मान गए हैं। और हुर्रे, मुझे तो लग रहा है कि मैं मामला जीत गई हूँ आप सब के लिए। आप सब लोग मेरे वकील हैं और आप लोगों की कमेंट्स की वजह से ही वो मान गए हैं और कह दिए हैं कि तुम केले के प्लांट को गार्डन में रख सकती हो। और ये मामला जीतने के बारे में आप लोगों की राय है, इसीलिए आप लोगों को मेरी तरफ से बिग थैंक यू और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। घर की बात आप सब से कह के मैं भूल की है, लेकिन ये प्लांट्स के रिलेटेड थे, इसीलिए मैंने आप सब से शेयर की है, क्योंकि आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं। और ये जो आप सब ने मिलकर इतनी कीमती राय मुझे दी है और मैंने सही तरीके से उनको समझा पाई, इसीलिए मुझे आप सब लोगों से थैंक्स तो कहना ही था। तो फिर से मैं कहती हूँ आप सब लोगों को मेरे तरफ से बिग थैंक यू। मैं अभी बहुत हैप्पी हूँ। तो दो दिनों से ये केले के प्लांट मेरे गार्डन में पड़े हुए थे, इसीलिए थोड़े सूख गए हैं। मैं फिर भी पानी की छिड़क इनमें दी थी और अभी भी ताज़ा है, इसीलिए मैं इसी प्लांट को फिर से लगाऊंगी उसी गमले में, क्योंकि मेरे पास और दूसरा कोई गमला नहीं है। मैं थोड़े गमले की मिट्टी को बूस्ट कर दूंगी थोड़ी कंपोस्ट मिलाकर। पहले मैं इस प्लांट को थोड़ी क्लीन भी कर लूंगी, क्योंकि फिर से मुझे इसे ग्रो करनी है। इसकी जो रूट्स है उसको थोड़ा थोड़ा करके मैं प्रूनिंग कर दूंगी इस तरह से। बहुत दूर तक ये फैल गए थे। तो फ्रेंड्स, सच में सच्चाई की जीत हुई है और भले की ही जीत हमेशा होती है, ये मुझे देखने को भी मिली है। तो ये केले के प्लांट फिर से मेरे गार्डन में लग रही है उसी पॉट में, क्योंकि मेरे पास अभी बड़े से पॉट नहीं है। और मुझे इस बात में हेल्प कर रहे हैं मेरे ससुर जी यानी कि पिताजी। तो वो तो पहले उनके बेटे के बातों से प्लांट्स को गमले से हटा दिए थे, वो भी नहीं चाहते थे कि केले के प्लांट को गार्डन से हटा दे, लेकिन उनके बड़े बेटे की कहना है, इसीलिए उन्होंने गमले से प्लांट को हटाए थे। तो केले के प्लांट की ये जो ऊपर का छिलका है इसे मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये है फंगीसाइड, इसको कटे हुए जगह पर लगा दूंगी। ये फंगीसाइड लगा देने से ये यहाँ से ख़राब नहीं होगी। और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो इस दिन में मैं इस केले की प्लांट को फिर से लगा रही हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और इस खुशी को आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। मैं भी उनको सॉरी कह दी है, क्योंकि एक प्लांट के लिए उनके साथ लड़ाई करना ठीक नहीं था। तो फिर भी जो भी हुए हैं अच्छे ही हुए हैं, मेरे प्लांट्स मेरे गार्डन में ही रह रहे हैं। ये है मेरे दूसरे पॉट की जो टूल से बनी थी, उस पॉट में भी ये प्लांट हम लोगों ने उठा डाले थे, फिर से इसे ग्रो कर रहे हैं। नीचे के जो पत्ते थे वो काट दिए हैं और क्लीन भी कर लिए। ये देखिए, यहाँ पर पूरे मिट्टी को निकालने के बाद थोड़ी सैंड, कंपोस्ट, हॉर्न डस्ट, बोन डस्ट मिलाकर ये मिट्टी केले प्लांट के लिए फिर से तैयार की है। अब इन दो प्लांटर में
एक ही जगह पर ये प्लांट्स लगानी है। तो ये देखिए पिताजी प्लांट्स को लगा रहे हैं, मैं उसे हेल्प कर रही हूँ। ये दोनों केले की प्लांट ही दो दिनों से ऐसे ही पड़े हुए थे, तो थोड़ी बहुत हानि तो पहुँची है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये फिर से दोबारा ग्रो नहीं करेगी। शायद ये ग्रो कर जाएगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर पानी की छिड़क दी थी। तो ये देखिए मिट्टी को डालकर गमले को भरा जा रहा है, और उसके बाद देखिए पानी से गमले को भर दिया गया है। अब देखते हैं ये प्लांट कैसे हालत में रहते हैं। सेम प्रोसेस से दूसरे प्लांट को भी पॉट में लगाया दिया जा रहा है। जो सॉइल मैंने तैयार की थी वही सॉइल इसमें डाली जा रही है। और इस पॉट में जो दो बेबी प्लांट थे उसके एक को मैं मौसमी मंडल यानी कि मेरे बॉडी को दूंगी, और एक मेरे तपन दादा है उनको दूंगी। वो अपने गार्डन में ये केले की प्लांट लगाएंगे, मुझे पहले ही कहे थे, तो मैंने इनमें से दो बेबी प्लांट उनके लिए रख दी है। प्लांट्स लगाने के बाद इस पॉट में भी पानी से भर दिया जाएगा। तो इस तरह से मैंने दोनों प्लांट्स को ही लगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट्स कीजिएगा, और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो लोग मेरे पहले की वीडियो में कमेंट्स की है उन लोगों को फिर से बिग थैंक यू।